कमलेश्वर के ग्राम खुड़मुड़ा हत्याकांड मामले में पुलिस ने आखिरकार आरोपियों का पता लगा लिया है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृतक का बेटा गंगाराम सोनकर ही निकला। पुलिस की शक की सुई पहले से ही उस पर थी। 83 दिन बाद पुलिस आखिरकार कातिलों तक पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जायदाद के लालच में आकर बेटे ने अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया। गंगाराम ने केवल 4 एकड़ जमीन के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि जमीन को लेकर मृतक पिता और आरोपी पुत्र के बीच पहले विवाद भी हुआ था। दरअसल 21 दिसंबर को ग्राम खुड़मुड़ा निवासी बालाराम सोनकर, पत्नी दुलारी बाई, बेटा रोहित सोनकर और बहू कीर्तिन बाई की बेरहमी से हत्या कर हत्यारे फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस की जांच में लंबा समय जरूर लगा, लेकिन अंत में आरोपियों तक पुलिस के हाथ पहुँच ही गए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस के सामने पूरा मामला साफ हो चुका है, अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, कुछ प्रक्रियाएं अभी भी बाकी है जिसे पूरा कर मामले का खुलासा किया जाएगा। गृह मंत्री ने बठेना हत्याकांड के चलते विपक्ष के आरोपों को भी जमकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास प्रदेश में और कोई मुद्दा नहीं बचा है। मैं तो कल भी बोला था, पहले भी बोला था कि हमारा इसमें आखिरी स्टेज में आ चुके हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं और जानकारियों को मिलाना या कुछ डॉक्यूमेंट्स को लाना ये बचा है, तो एक आध दो दिन में हो जाएगा और हमारे अधिकारी प्रेस ब्रीफ कर देंगे।